हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको इस वीडियो में मिक्स्ड फ्रैक्शन बताने वाला हूं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन अच्छे से समझना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही आसान तरीका से बताने वाला हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। तो आइए चलिए, अब यहाँ पर देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रित अंश, ठीक है, या फिर आप मिश्र अंश भी बोल सकते हैं। तो आइए चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन है, ए नंबर डेट कॉन्टेन ए होल नंबर नंबर एंड ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका डिफिनेशन है, ए नंबर डैट कॉन्टेन ए होल नंबर एंड ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है स्टूडेंट। जिसमें जिसमें होल नंबर, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें होल नंबर और एक भिन्न शामिल हो, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें एक होल नंबर और भिन्न भी शामिल हो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा कि वन होल थ्री अपॉन फोर, ठीक है, फोर होल फाइव अपॉन सेवन, ठीक है, सेवन होल नाइन अपॉन थर्टीन, ठीक है, ट्वेल्व होल सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव। ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें अब मैंने क्या बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन वह फ्रैक्शन होता है जिसमें एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन शामिल हो, उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए, वन होल थ्री अपॉन फोर है, तो वन क्या है, एक होल नंबर है, और थ्री अपॉन फोर क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो इसमें दोनों नंबर शामिल है। जैसे देखिए, फोर होल फाइव अपॉन सेवन, तो फोर क्या है, एक होल नंबर है, और फाइव अपॉन सेवन क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए, सेवन क्या है, एक होल नंबर है, और नाइन अपॉन थर्टीन क्या है, एक फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन वह होता है जिसमें एक होल नंबर भी शामिल हो और फ्रैक्शन भी शामिल हो, उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये था मिक्स फ्रैक्शन का डिफिनेशन। और मुझे पूरा उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको इस वीडियो में मिक्स फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट।